हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट कनेक्शन बाय प्रियंका। और आज की मेरी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेजिन आर्ट कि जो रेजिन होता है और जो इपोक्सी होता है, क्या वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या फिर नहीं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। जो इपोक्सी होता है वही रेजिन का एक पार्ट होता है। रेजिन के अंदर एक जो टाइप है वो होता है इपोक्सी रेजिन, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कास्टिंग रेजिन। तो टेक्निकली मैं इसके अंदर नहीं जा रही, बस मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि जो इपोक्सी रेजिन होता है उसमें हम किसी चीज़ के ऊपर उसकी इपोक्सी की लेयर डालते हैं। जैसे हो गया टेबल है, उसमें हम उसके ऊपर इपोक्सी रेजिन की एक लेयर डालते हैं जिससे उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज होती है, उसमें शाइन आती है, प्रोटेक्ट होता है। तो इस काम के लिए हम इपोक्सी रेजिन का यूज़ करते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे कास्टिंग रेजिन। कास्टिंग रेजिन में क्या होता है कि हम मोल्ड लेते हैं, मोल्ड के अंदर हम रेजिन को पोर करते हैं और उससे जो हमारी चीज़ें बनती हैं जैसे कि की चेन्स हैं, कोस्टर्स हैं, वो आता है आपका कास्टिंग रेजिन के अंदर। मैं जो यूज़ करती हूँ वो है मेरा ये वाला इपोक आर्ट रेजिन, और इसको हमें मिक्स करना होता है वेट के हिसाब से, और इसका जो रेशियो रहता है वो रहता है 3:1। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक किचन का वेइंग स्केल जिसके ऊपर मैं इसको वेट के हिसाब से मेजर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको ले रही हूँ 60 ग्राम्स। तो 60 ग्राम्स हमने रेजिन ले लिया है। हार्डनर मैंने लिया है 21 ग्राम्स। वैसे मुझे 20 ग्राम्स लेना था बट वो हल्का सा इसके अंदर ज़्यादा आ गया है। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको जब हम स्टीर करते हैं तो हमने हल्के से धीरे धीरे हमने इसको मिक्स करना है। स्टार्टिंग में ये आपको हल्का सा क्लाउडी दिखेगा बट जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। जब ये आप अच्छे से मिक्स कर लें तो अगर आपके रेजिन में आपको बबल्स दिख रहे हैं तो आपको उसको गर्म पानी के अंदर 5 मिनट के लिए डिप करके रख देना है। ध्यान रखना है पानी का लेवल आपके कंटेनर तक ना पहुंच पाए। अब हम बात करते हैं कि डेकोरेशन के लिए हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं। तो कुछ भी ड्राई चीज़ हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इस टाइप से जो कुछ डेकोरेटिव चीज़ें हैं ये मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बियॉन्ड इंक। या तो आप इंक यूज़ कर सकते हैं या फिर आते हैं पिगमेंट जो इस तरीके से आते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मोल्ड, और मोल्ड के अंदर मैंने सबसे पहले हल्का सा रेजिन पोर करना है। बिल्कुल फुल नहीं करना है मैंने इसको, बिल्कुल एक लेयर जो है रेजिन की मैंने यहाँ पे देनी है ताकि जो भी मैं डेकोरेटिव चीज़ें डाल रही हूँ उसको एक स्पॉट मिल जाए। अब मैं यहाँ पे जो मैंने इंक आपको दिखाई थी उसकी एक एक ड्रॉप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो जो भी मुझे कलर्स अच्छे लग रहे हैं जहाँ पर मुझे डालना है वहाँ पर मैं उसको डाल देती हूँ, तो वो धीरे धीरे जो है वो स्प्रेड होता जाता है। 45 मिनट्स मिलता है आपको, जितना भी ये काम करना है 45 मिनट्स के अंदर करना है। तो इस तरीके से मैं इसको पोर कर देती हूँ ताकि जो भी मैंने इसके अंदर डाला है वो इससे कवर हो जाए।
अब हम इसको 24 से लेके 48 आवर्स के लिए कवर करके रख देंगे। कवर करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको कवर करके नहीं रखेंगे तो जितनी भी आजू बाजू की डस्ट है वो ये अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। अगर आपका विंटर का टाइम है तो आप 48 आवर्स के लिए रखिएगा, अगर समर्स हैं तो 24 आवर्स इनफ है। 24 आवर्स के बाद जो है हमारे जितने भी हमने अल्फ़ाबेट्स बनाए थे वो रेडी हैं। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। सो गाइस, अब बारी आती है कि अगर हमारे पास मोल्ड्स नहीं हैं तो हम क्या करें, क्योंकि मोल्ड काफ़ी थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। हम सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं रेजिन को और मोल्ड नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हम इंडियंस तो जुगाड़ में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि होता है कि हमें फालतू में पैसे नहीं जो है वो खर्च करने हैं। कई बार होता है कि काम से भी नहीं करते हैं, बट चलिए कि अगर हम चाहते हैं कि जुगाड़ से हम कैसे बनाएं बिना मोल्ड के, तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है गाइस आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए है किसी सब्जेक्ट के ऊपर आर्ट के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जितना मैं हो सकेगा ट्राई करूँगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।